अश्लील वीडियो मामले में रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे पंजाब के मंत्री बलकार सिंह। रिपब्लिक भारत के सवाल पर नो कमेंट्स कहते हुए निकल गए बलकार सिंह। पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार की आपातकालीन बैठक, आतिशी और सौरभ समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ा पानी का संकट भी, टैंकरों से पानी लेने के लिए उमड़ी भारी भीड़, पानी भरने के लिए लोगों में मची धक्का मुक्की। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर आतिशी का बयान, कहा हमने हरियाणा सरकार को लिखी है चिट्ठी, हरियाणा की मनमानी के चलते राजधानी में पानी नहीं होना चाहिए कम। चिट्ठी लिखी है, आज हम केंद्र सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए और यही पानी की कमी की वजह से जो हरियाणा पानी नहीं छोड़ रही है, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में त्राही त्राही मच रही है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सिरसा का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करते थे पर अब बना दिया रेगिस्तान। ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बातें करते थे, वह तो नहीं बना लेकिन रेगिस्तान दिल्ली को इन्होंने जरूर बना दिया। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर कपिल मिश्रा ने दिल्ली सरकार पर कसा दंश। सोशल मीडिया पर टैंकर का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा, ये दिल्ली का वो इलाका है जहां से खुद सीएम केजरीवाल विधायक हैं। पुणे मामले पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान आया सामने, कहा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक रोटी सेकने वालों का भी करेंगे पर्दाफाश। ये बात अलग है कि कुछ लोग इसके आड़े किसी और के कंधे पर बंदूक रख के किसी और पर निशाना चलाना चाहते हैं, इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, उनका भी पर्दाफाश होगा। और जो लोग इसमें रत्ती भर भी लिप्त है ऐसे सभी लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। पुणे के पोर्च कांड की घटना पर रिपब्लिक भारत से सवालों पर एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने साधी चुप्पी। मामले में सुनील टिंगरे का कनेक्शन आया सामने, आरोपी नाबालिग के पिता ने 45 बार किया था विधायक टिंगरे को फोन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी पहले ही हो चुकी है परास्त और साथ ही कहा कि भारत की एबीसी के बारे में राहुल गांधी को कुछ नहीं पता। सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है, ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल को भारत की दशा और दिशा का नहीं ज्ञान क्योंकि उन्होंने देश को देखा ही नहीं। कार हादसे को लेकर रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते दिखे ब्रजभूषण शरण सिंह, मामले को लेकर नहीं दिया कोई जवाब, कार ड्राइवर को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। दर्दनाक मतलब दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन तो उसमें, उसमें, कर, ले उसमें करण नहीं उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेगा ड्राइवर। नोएडा के सेक्टर 100 में बहुमंजिला इमारत के फ्लैट में आग लग गई, आग लगने से छाया काले धुएं का गुब्बार, आसपास के फ्लैट को खाली कराया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ट्रैक्टर में अचानक से लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 18 के एक अपार्टमेंट में आग लग गई, 10वीं मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा में हुआ हादसा, जश्न मनाने के दौरान पटाखों की ढेर में लगी भीषण आग, हादसे में 20 लोग हुए जख्मी। कर्नाटक के बीदर में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट हो गई, 17 छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जय श्री राम गाना बजाने पर हुआ था बवाल, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज का यह पूरा मामला है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्टंट बाजी का वीडियो आया सामने, युवक का कार से जानलेवा स्टंट का वीडियो हो रहा है वायरल। मैक्सिको के मेयर की गोली मारकर हत्या, एक रैली के दौरान मेयर की हत्या की गई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर पूर्व लंदन में एक रेस्टोरेंट के पास फायरिंग से मचा हड़कंप, गोली लगने से एक बच्चे की हालत गंभीर, 3 लोग हुए जख्मी, घायलों का इलाज जारी, जांच पड़ताल कर रही पुलिस। अमेरिका के ओहियो शहर में गोलीबारी की घटना से मचा हड़कंप, पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है, दोनों आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं।